हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ यूनिवर्सिटी सॉल्यूशंस। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एल्गोरिदम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास तीन टाइप के एल्गोरिदम होते हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। एग्जाम में इस पर थ्योरी नहीं आती है, इस पर सीधा एक न्यूमेरिकल आता है इन तीनों एल्गोरिदम पे बेस्ड। तो हम सबसे पहले इन एल्गोरिदम को समझते हैं, उसी के हिसाब से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगा कि एक 6 और 6.5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, और मैक्सिमम जो टर्म्स लिखी हैं, जो नंबरिंग होगी वही आती है। एक ही क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट फिट क्या है। फर्स्ट फिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन दिस अप्रोच वी एलोकेट द फर्स्ट फ्री पार्टीशन और होल दैट इज लार्ज इनफ इट कैन अकोमोडेट द प्रोसेस। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। इसके अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट फ्री पार्टीशन ढूंढते हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, तो ऐसा फ्री पार्टीशन ढूंढना है जिसके अंदर हमारी मेमोरी आ सके पूरी तरह। मतलब हमें इसके अंदर बहुत सारे मेमोरी के पार्टीशंस दिए होते हैं और उसके अंदर हमें मेमोरी को एलोकेट करना होता है। तो ऐसा पार्टीशन ढूंढना है जिसके अंदर वो पूरी अच्छी तरीके से आ सके, और उसके बाद उसे आने के बाद एक्स्ट्रा स्पेस जितनी बच रही है उसमें हमें फर्स्ट फिट में हमें उस एक्स्ट्रा स्पेस से कोई मतलब नहीं होता। याद रखिएगा, फर्स्ट फिट में हमें उस एक्स्ट्रा स्पेस से कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ स्टार्ट करना है और उसके अंदर मेमोरी एलोकेट करते जाना है। सेकंड आता है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट डील्स विद एलोकेटिंग द स्मॉलेस्ट फ्री पार्टीशन विच मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस। इसमें उसने क्या बोला, हमें स्मॉलेस्ट फ्री पार्टीशन मतलब ऐसा पार्टीशन जिसके अंदर हम मेमोरी एलोकेट करें तो उसके बाद जो रिमेनिंग स्पेस है वो कम से कम हो। हालांकि फर्स्ट फिट में हमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें रिमेनिंग स्पेस देखनी होती है या कुछ भी, ठीक है। अगर हम थर्ड एल्गोरिदम पे आए तो होता है वर्स्ट फिट। जैसे इसका नाम बता रहा है वर्स्ट फिट, इसके अंदर हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। हियर वी एलोकेट द लार्जेस्ट अवेलेबल फ्री पार्टीशन। इसके अंदर हम ऐसा पार्टीशन देखते हैं जो जिसके अंदर हम मेमोरी एलोकेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्पेस बचेगी। सबसे ज़्यादा स्पेस बचेगी तो स्पेस वेस्टेज होगी, इसलिए हम इसे वर्स्ट फिट कहते हैं। देखिए अब इसमें क्या लिखा है, इट इज़ द रिवर्स ऑफ बेस्ट फिट। बेस्ट फिट में सबसे कम जगह बचनी चाहिए और वर्स्ट फिट में सबसे ज़्यादा जगह बचनी चाहिए। अब ये न्यूमेरिकल दे रखा है जिसको रीड करते हैं। गिवन 5 पार्टीशंस ऑफ मेमोरी, 500 KB, 200 KB, 300 KB एंड 600 KB इन ऑर्डर। ये ऑर्डर में लगे हुए हैं, नीचे से ऊपर 100, 500, 200, 300, 600। अब हमें तीनों यूज़ द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एल्गोरिदम टू प्लेस। हमें तीनों एल्गोरिदम यूज़ करने हैं और हमें प्लेस किसको करना है, हमें प्लेस करना है ये वाली टर्म्स को, 212, 417, 112, 426। अब आइए देखते हैं हम इसको प्लेस कैसे करेंगे। ये हमारे कुछ मेमोरी ब्लॉक्स हैं। मैं वीडियो 2 सेकंड के लिए इसको नीचे ले जाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट फिट। अब अगर हम इन तीनों में सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, ये हमें मेमोरी पार्टीशंस एलोकेट करने हैं जो कि हमारे दे रखे हैं 100, 500, 200, 300 और 600। ये हो गया हमारा 100 का, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया ये 500 का, उसके बाद हमारा हो गया ये 200 का, 200 के बाद 300 और उसके बाद 600। तो सबसे पहला आ रहा है 212 KB। जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट फिट में हमें ऐसा ब्लॉक ढूंढना होता है स्टार्टिंग से जो इसको पूरी तरह अकोमोडेट कर सके, और उसके बाद कितनी भी स्पेस बचे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम 212 किस में प्लेस करेंगे, 100 में हम नहीं कर सकते, 500 में हमने 212 प्लेस कर दिया, ठीक है। सेकेंड, अब हमें इसके बाद कितनी भी स्पेस बचे हमें वो नहीं देखना है। 417 आ रहा है सेकंड। अब 417 को कौन सा अकोमोडेट करता है, 500 तो भर चुका है, 200 में आएगा नहीं, 300 में आएगा नहीं, तो 600 में हमने डाल दिया 417, ठीक है। अब 417 के बाद आता है 112, 100 में नहीं आ सकता, 500 वाला भरा हुआ है, तो इसके बाद किस में आएगा, 200 में ही आ गया हमारा 112। अब हमारा आखिरी पार्टीशन जो मेमोरी आ रही है वो आ रहा है 426। अब 426 तो आ नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि 300 वाला ब्लॉक ही 300 ब्लॉक खाली है और 100 ब्लॉक खाली है, लेकिन ये तो कम है। तो हमारा जो 426 है, तो 426 विल वेट, 426 विल वेट। आइए दूसरे पे आते हैं बेस्ट फिट। बेस्ट फिट में हमें जो एलोकेट करना है उसके अंदर कम से कम जगह बचनी चाहिए। तो ये इसका नाम ही बेस्ट फिट दिया गया क्योंकि इसके अंदर मेमोरी सबसे कम वेस्ट होती है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा 212। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो 212 आना चाहिए 300 में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बची हुई स्पेस होगी वो सबसे कम होगी। अगर मैं इसको 500 में डालूंगा तो उसमें ज़्यादा स्पेस बचेगी, और 600 में उससे भी ज़्यादा स्पेस बचेगी। अगला आता है 417। 417 को हमें किस में प्लेस करना चाहिए, 100 में नहीं कर सकते, 500 में करेंगे और 600 में कर सकते हैं। तो 500 में करेंगे तो सबसे कम स्पेस बचेगी, इसलिए 417।
अब देखिएगा इसके एंड में इसमें सारे जो ब्लॉक्स दे रखे हैं, सारी मेमोरी जो दे रखी है, सब इसमें एलोकेट हो जाएगी। अगला कौन सा आता है, 112। अगर 112 देखें तो 100 में आ नहीं सकता, 500 भर गया। 200 में डाल सकते हैं और 600 में, 200 में डालेंगे तो सबसे ज़्यादा सबसे कम स्पेस बचेगी, आ गया 100। अब हमारा 426 आता है, 100 और 600 का ब्लॉक खाली है तो 426 इसमें जाएगा। ये हमारा हो गया बेस्ट फिट। अब हमारा आखिरी आता है वर्स्ट फिट, जिसका नाम ही वर्स्ट है, इसका मतलब हम इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेमोरी वेस्टेज होगी। अब हम ये लीजिए, सबसे पहला आता है 212। 212 को ऐसे में एलोकेट करना जिसमें सबसे ज़्यादा मेमोरी वेस्ट हो, मतलब सबसे ज़्यादा मेमोरी बचे। तो अगर हम 212 को इसमें डालेंगे तो सबसे ज़्यादा मेमोरी वेस्ट होगी। अगला आता है 417। 417 को 300 तो ले नहीं सकता, 200 एकोमोडेट नहीं कर सकता, 100 नहीं कर सकता, तो ये यहाँ आएगा। अगला आता है 112। 112 को किस में डालोगे सबसे ज़्यादा मेमोरी बचे हमारी मेमोरी ब्लॉक की, अगर 300 वाले में डालेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा ही खाली रह जाएगा मेमोरी ब्लॉक। अगला आता है 426। अब 426 तो 100 में आ नहीं सकता, 200 में नहीं आ सकता, तो वर्स्ट फिट में भी 426 विल वेट। सिर्फ इतना सा करना है, सबसे पहले जो मेमोरी में पार्टीशंस दे रखे हैं उसके हिसाब से ये डायग्राम बना लीजिए, साथ में मेमोरी पार्टीशंस लिख दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से ऑर्डर में लीजिए, क्योंकि ऑर्डर में ही दिए जाएंगे, ऑर्डर में लीजिए और उसको हम एलोकेट करते जाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले फर्स्ट फिट उठाइए, उसके अंदर 212 को लीजिए, ऐसे में डालिए जिसके अंदर वो पूरी तरह अकोमोडेट हो जाए नीचे से, मतलब स्टार्ट करते हुए, और उसमें कोई स्पेस जो बच रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। सेकेंड बेस्ट फिट में अगर हमें 212 को प्लेस करना है तो ऐसे में करिए जिसमें कम से कम जगह बचे, इसलिए हमें 200 में किया। तीसरे में अगर हमें 212 को प्लेस करना है तो ऐसे में करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह बचे, तो उसके लिए हमने उसको 600 किया। तो बस ये था इतना सा, ये आता है 6.5 मार्क्स का AP यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, थैंक यू।